हेलो क्लास, वेलकम टू एसिंक केमिस्ट्री क्लासेस। ये वीडियो हम लोग पीरियोडिक टेबल टॉपिक पे करेंगे। इस वीडियो में हम लोग पीरियोडिक टेबल को बोर्ड से होते हुए जेई एडवांस लेवल तक देखेंगे। पीरियोडिक टेबल चैप्टर में सबसे पहले हम लोग को ध्यान देना होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या कुछ पढ़ना होगा। तो सबसे पहला हम लोग टॉपिक में अगर ध्यान दें तो हम लोग को करना होगा डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप जो कि बहुत ही जरूरी टॉपिक होता है और इसको एकदम पहले ही ख़त्म कर दो। बुक्स में काफ़ी एंड में दिया रहता है, इसको बहुत पहले हम लोग ख़त्म कर लेंगे। दूसरा जो टॉपिक होता है वो होता है न्यूक्लियर चार्ज। ये आपका पूरा पीरियोडिक टेबल 11 12th के लेवल में सबसे ज़्यादा जरूरी अगर कोई पीरियोडिक टेबल पर टॉपिक बनता है तो वो होता है न्यूक्लियर चार्ज। इसको हम लोग बोल सकते हैं सारे कॉन्सेप्ट्स का फादर है। ये पीरियोडिक टेबल के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं सारे कॉन्सेप्ट्स का फादर है। सबको कहीं ना कहीं न्यूक्लियर चार्ज ही एक्सप्लेन करता है। न्यूक्लियर चार्ज एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज को रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को रिप्रेजेंट किया जाता है जेड स्टार से, ठीक है। और थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है वो होता है पीरियोडिसिटी। ही हम लोगों को पढ़ना होता है। पीरियोडिसिटी में बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, जैसे आएगा आपका एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई, देन आएगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इसको हम लोग आईपी कहते हैं। इसका और भी बहुत सारा नाम होता है, आयोनाइजेशन इनथैलपी भी नाम होता है, आईई कहते हैं, और आयोनाइजेशन एनर्जी भी होता है, उसको भी हम लोग आईई कह सकते हैं। फिर आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसको हम लोग ईए कहते हैं, ईए के नाम से जानते हैं। इसका एक और नाम होता है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैलपी। और एक हम लोग बात करें यहाँ पे तो एक और टॉपिक आ जाएगा, वो होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ईएन इसको हम लोग कहते हैं। ये चार टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप पीरियोडिक टेबल चैप्टर में इन चारों टॉपिक्स को पढ़ते हुए अगर इनके एप्लीकेशंस को देख लेते हो तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत हेल्प मिलता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियाई से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तक की, ये चारों टॉपिक्स आपके कंपटीशन के व्यू से और विथ रिस्पेक्ट टू ऑल द व्यूज अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड्स एंड ऑफ योर जेई एडवांस, ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हम लोग शुरू करेंगे डायगोनल रिलेशनशिप से। पहला हम लोग टॉपिक लेंगे अपना डायगोनल रिलेशनशिप, है ना। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है? डायगोनल रिलेशनशिप को हम लोग बोल सकते हैं सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड के जो भी एलिमेंट्स हैं, सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं, ये एलिमेंट्स एक रिलेशनशिप को शो करते हैं। फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड के फर्स्ट थ्री एलिमेंट्स लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन सेकेंड पीरियड के कुछ एलिमेंट्स के साथ में, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन, इनके साथ ये डायगोनल रिलेशनशिप में होते हैं। लिथियम मैग्नीशियम के साथ, देखिए एक डायगोनल का फॉर्मेशन हो रहा है लिथियम टू मैग्नीशियम, बेरिलियम एल्युमिनियम के साथ और बोरॉन सिलिकॉन के साथ। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के साथ में डायगोनल रिलेशनशिप में होते हैं और ये रिलेशनशिप शुरू के सिर्फ तीन एलिमेंट्स ही शो करते हैं। सेकेंड पीरियड के सिर्फ दो एलिमेंट्स, तीन एलिमेंट्स शुरू वाले शो करते हैं, लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन, है ना। यही तीनों एलिमेंट्स थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के साथ डायगोनल रिलेशनशिप में होते हैं।
आप देखिएगा इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चंस को पूछा गया है कि लिथियम इज डायगोनल रिलेशनशिप विथ विच वन, विथ मैग्नीशियम, बेरिलियम इज विथ एल्युमिनियम, बोरॉन इज विथ सिलिकॉन। आपसे बस ये पूछेगा कि कौन किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप में होता है, ठीक है, और डायगोनल रिलेशनशिप के ऊपर में कोई क्वेश्चंस आते नहीं। तो हम लोग बोल सकते हैं लिथियम और मैग्नीशियम आपस में एक डायगोनल रिलेशनशिप में होते हैं, बेरिलियम और एल्यूमिनियम आपस में एक डायगोनल रिलेशनशिप में होते हैं, और बोरॉन एंड सिलिकॉन आपस में एक डायगोनल रिलेशनशिप में होते हैं। ये तीनों ही अपने रिलेशनशिप को शो करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करें, वो है एटॉमिक रेडियस। हमारा टॉपिक है स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। स्क्रीनिंग इफेक्ट को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम जेड इफेक्ट और जेड स्टार, जेड के ऊपर स्टार देकर के रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? उसके पहले हम लोग जानेंगे न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। उसके पहले हमको क्या जानना है न्यूक्लियर चार्ज के बारे में, कि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। द चार्ज ऑफ अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज। अगर बेसिक हम लोग आइडिया पे बात करें कि न्यूक्लियर चार्ज क्या है, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, चार्ज ऑफ अ न्यूक्लियस, ठीक है, जो कि जेड ई होता है ना, प्लस जेड ई हम लोग बोल सकते हैं। तो चार्ज ऑफ अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज, जिसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग अगर एक एटम को देखें, सपोज ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे आप देखिए ये सराउंडिंग ऑर्बिट्स है, ठीक है, सराउंडिंग ऑर्बिट्स है। तो न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर में पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो न्यूक्लियस जो है वो मेनली क्या हो जाता है, मेनली पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे सराउंडिंग में जो ऑर्बिट्स होते हैं, इन ऑर्बिट्स में क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दो अपोजिट चार्ज हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, अपोजिट चार्ज हो जाते हैं। तो हम जानते हैं अपोजिट चार्ज के बीच में क्या होता है, अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है ना। अगर कहीं भी अपोजिट चार्ज दिखता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पे। तो हम न्यूक्लियर चार्ज को ये भी बोल सकते हैं कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय विच न्यूक्लियस attracts the electrons of surrounding orbit, is called न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया भाई, न्यूक्लियर चार्ज हो गया कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय विच अ न्यूक्लियस अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सराउंडिंग। मतलब कि एक पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस अगर अपने सराउंडिंग के नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। क्लियर है मेरी बात? चलिए फिर हम आते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, जेड स्टार क्या होता है, ठीक है। जेड स्टार होता है कि एक न्यूक्लियस अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करता है, ध्यान रखिएगा, एक न्यूक्लियस अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उसे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, ठीक है। डिफरेंस समझिए न्यूक्लियर चार्ज एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में। न्यूक्लियर चार्ज होता है कि द न्यूक्लियस अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सराउंडिंग, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सराउंडिंग, अपने आसपास के जितने भी ऑर्बिट्स उसके हैं वो सारे ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको हम न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। जबकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे, ठीक है। तो हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, बोल सकते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
by which nucleus attracts the electron of outermost orbit only is called effective nuclear charge or Z effect. ठीक है, तो ये दो बातें आप ध्यान रखिए कि न्यूक्लियर चार्ज क्या है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है. ठीक है, तो हम एक चीज बोल सकते हैं ना कि जेड जो है विल नेवर बी इक्वल टू जेड स्टार. जेड विल नेवर बी इक्वल टू जेड स्टार एक्सेप्ट एन इज इक्वल टू वन. अगर ऑर्बिट का नंबर वन रहे, एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिससे हम लोग ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर एन इज इक्वल टू वन रहे तो सिर्फ इसी केस में जेड जो है ये जेड स्टार के इक्वल हो सकता है. देखिए, अगर ये आपका न्यूक्लियस हो गया और एन इज इक्वल टू वन है, मतलब कि एक ही ऑर्बिट है, तो अब आप इनर ऑर्बिट बोलिए या आउटर ऑर्बिट बोलिए, जो है सो यही है. अब यहीं के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा आपका, वो जेड भी हो जाए, उसको हम जेड भी बोल सकते हैं और उसको हम जेड स्टार भी बोल सकते हैं. क्लियर है मेरी बात, क्योंकि यहां पे एक ही ऑर्बिट है ना. तो जेड विल नेवर बी इक्वल टू जेड स्टार एक्सेप्ट अ केस एन इज इक्वल टू वन. अब आप बोलोगे कि अब भैया ऐसे क्यों बोल रहे हो, जेड विल नेवर बी इक्वल टू जेड स्टार, तो हाँ भाई हम बोल सकते हैं. देखो, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ये एक इलेक्ट्रॉन है, और इनर ऑर्बिट्स में भी देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इसके साथ एक रिपल्सन करेंगे ना. देखो, ये इलेक्ट्रॉन्स सेम चार्ज होने की वजह से आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स के साथ में क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे. जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है अंदर के ऑर्बिट में, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है उसके साथ में एक रिपल्सन करेगा. तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है वो दो तरह के फोर्स को एक साथ में फेस करता है, वो न्यूक्लियस के साथ में एक अट्रैक्टिव फोर्स को फेस करता है और साथ ही साथ वो इनर इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्सिव फोर्स को भी फेस करता है. राइट, तो वो दो तरह के फोर्स को एक साथ में फेस करता है. क्लियर है मेरी बात. अब मान लो कि न्यूक्लियस जो है वो, सपोज हम मान लेते हैं न्यूक्लियस 10 यूनिट के फोर्स से है ना अट्रैक्ट कर रहा है आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को. न्यूक्लियस क्या कर रहा है, 10 यूनिट के फोर्स से आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, और इनर ऑर्बिट जो है वो 2 यूनिट के फोर्स से आउटर मोस्ट ऑर्बिट को रिपेल कर रहे हैं. ठीक है, तो नेट अट्रैक्शन कितना लगेगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे, नेट अट्रैक्शन कितना लगेगा, तो नेट अट्रैक्शन लगेगा आपका 8 यूनिट लगेगा. राइट, तो हम लोग क्या बोल देंगे, हम लोग बोल देंगे कि इनर ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं जबकि न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, जो नेट अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा ऑन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट वो क्या हो जाएगा भाई, जेड से थोड़ा कम रहेगा क्योंकि वहां पर रिपल्सन भी तो उसको मैनेज करना है. ठीक है, तो जेड से थोड़ा कम रहता है ना. तो हम क्या बोल सकते हैं कि जेड विल नेवर बी इक्वल टू जेड स्टार. ठीक है, वो हमेशा क्या रहेगा, थोड़ा कम रहेगा. तो क्या हो जाएगा भाई कि जेड जो है ये हमेशा किससे ज्यादा रहेगा, जेड स्टार से ज्यादा रहेगा, मतलब कि जेड स्टार हमेशा जेड से कम होता है ना. चलो, तो हम लोग एक यहां पे बात बोल सकते हैं कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन आपका है, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन को ये जो इनर ऑर्बिट्स हैं, ये इनर ऑर्बिट्स न्यूक्लियस से ढकने का काम करते हैं. देखो, न्यूक्लियस से क्या कर दे रहे हैं, उसको सील्ड कर दे रहे हैं, ढक दे रहे हैं, है ना, न्यूक्लियस उसको ढक देते हैं. तो ये क्या कर रहे हैं भाई, ये क्या कर रहे हैं कि यहां से जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे ये हम लोग क्या बोल रहे थे कि 10 यूनिट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस एग्जर्ट किया टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट, लेकिन आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर अल्टीमेट कितना हम लोग का पड़ा, सिर्फ 8 यूनिट ही पड़ा. तो 2 यूनिट जो लॉस हो गया ना, यही 2 यूनिट को हम लोग बोल सकते हैं कि यही है स्क्रीनिंग इफेक्ट. क्या है भाई, स्क्रीनिंग इफेक्ट यही होता है, जिसको हम लोग सिग्मा बोलते हैं. ठीक है, अब चलो इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट होता क्या है. ठीक है, तो
यहाँ पे हम लोग एक पहले इसको ड्रॉ कर दें कि ये हम लोग का न्यूक्लियस, ये हो गया आपका एक ऑर्बिट, ये हो गया एक दूसरा ऑर्बिट, ये हो गया एक तीसरा ऑर्बिट, और यहाँ पे मेरा आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, और इधर में क्या है इनर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को हम दिखा देते हैं। और ये इनर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के साथ में एक रिपल्सन को फेस कर रहे हैं, है ना। जबकि न्यूक्लियस क्या कर रहा है, न्यूक्लियस आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट को अगर हम nth ऑर्बिट मान लें, आउटर मोस्ट ऑर्बिट को हम क्या कर दें nth ऑर्बिट मान लें, है ना, nth सेल मान लेते हैं, तो जो ठीक अंदर का ऑर्बिट मतलब n के ठीक अंदर का ऑर्बिट है वो क्या हो जाएगा n-1th सेल, ठीक है। इसको हम लोग पेनल्टीमेट सेल भी कहते हैं, पेनल्टीमेट सेल याद रखिएगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के ठीक पहले का सेल, मतलब हम लोग बोल सकते हैं सेकंड लास्ट जो सेल है, सेकंड लास्ट जो चीज होता है उसको पेनल्टीमेट कहते हैं, तो सेकंड लास्ट सेल को हम लोग पेनल्टीमेट सेल कह देंगे। और ये क्या हो जाएगा n-2 हो जाएगा, n-2th सेल हो जाएगा, राइट। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है मेरा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, और ये रिपल्सन के साथ ही साथ अट्रैक्शन के अट्रैक्शन को भी फेस कर रहा है, है ना। अब यहाँ पे जेड जो है ये क्या हो जाएगा, जेड आपका ग्रेटर देन है किससे, जेड स्टार से, जैसा हम लोग बात किए। और स्क्रीनिंग इफेक्ट यहाँ पे एक फैक्टर हम लोग देखें कि स्क्रीनिंग इफेक्ट कुछ होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है कि ये जो इनर ऑर्बिट्स हैं, ये इनर ऑर्बिट्स आउटर इलेक्ट्रॉन को एक फोर्स ऑफ रिपल्सन को वहाँ पे फेस करवाते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन को वहाँ पे क्रिएट कर देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स एक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन को क्रिएट कर देते हैं, उसी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने के लिए न्यूक्लियस एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्रिएट कर रहा है, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रोकने के लिए यहाँ पे इनर ऑर्बिट्स उस अट्रैक्शन को रोकने का काम करते हैं, इनर ऑर्बिट्स क्या करते हैं उस अट्रैक्शन को थोड़ा मिनिमाइज करने का काम करते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेट क्या हो जा रहा है, अल्टीमेट देखो तो क्या हो जा रहा है कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट हम लोगों का है, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट को, आउटर मोस्ट ऑर्बिट को इनर ऑर्बिट सील्ड कर रहे हैं ना, न्यूक्लियस से सील्ड कर रहे हैं, स्क्रीन कर दे रहे हैं, ढक दे रहे हैं, है ना। तो इस तरह के इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं, जिसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ओके। अब हम क्या बोल सकते हैं कि जेड जो है, ये जेड मतलब जेड स्टार जो है ये इक्वल होता है किसके, जेड माइनस सिग्मा, ऐसा हम बोल सकते हैं क्या, जेड स्टार जो है वो क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा होता है। मतलब कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया, आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो इक्वल होगा किसके, कितना यहां से क्रिएट हुआ, कितना यहां से क्रिएट हुआ, और कितना ये दोनों मिलकर के मतलब इनर ऑर्बिट्स मिलकर के कितना उसको कैंसिल कर दिए। तो अगर हम देख लेते हैं जैसे कि 10 यूनिट अगर क्रिएट हुआ है, 10 यूनिट अगर क्रिएट, न्यूक्लियस एक न्यूक्लियर न्यूक्लियस का चार्ज कितना था, 10 यूनिट था, और स्क्रीनिंग इफेक्ट मान लो कि 2 यूनिट का हो गया, तो जेड स्टार कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पे हर एक ऑर्बिट के लिए इस चीज को निकाल सकते हैं, हर एक ऑर्बिट का अपना अपना एक वैल्यू होता है कि कौन कितना स्क्रीनिंग का काम करेगा, ठीक है। उसको जानने से पहले आप पहले एक चीज को एकदम अच्छे से क्लियर कर लो, न्यूक्लियर चार्ज क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, ठीक है। स्क्रीनिंग इफेक्ट, न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। इसके बाद अब हम आगे देखते हैं कि हम कहीं पे भी स्क्रीनिंग इफेक्ट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए एक रूल है, है ना, जिसको हम बोलते हैं स्लैटर रूल, स्लैटर्स रूल, स्लैटर के रूल से हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं, जहां से हम लोग एग्जैक्ट न्यूक्लियर चार्ज को बता सकते हैं, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि स्लैटर के रूल के साथ में ये बहुत सारे जगह पे फ्लॉप हो जाता है, और बहुत सारे जगह पे फ्लॉप हो जाने की वजह से जेई में अभी इस टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। जेई यहां से क्वेश्चंस लेना बंद कर दिया है, फिर भी हम लोग स्लैटर के रूल को देखते हैं। चलिए
अगला टॉपिक है हम लोग का स्लैटर्स रूल, ठीक है। स्लैटर्स रूल यहाँ पे आपको चार बातें ध्यान देनी है। हम आपको एक बहुत ही अच्छा ट्रिक बता देते हैं, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर ट्रिक बता देते हैं। चार बातें जो आपको ध्यान देनी है वो है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट, पहली बात स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ऑफ द वन एस, वन एस समझते हैं ना, पहला ऑर्बिट का एस सबसेल, वन एस इज थ्री, इज 0.3, आपको ये याद रखना है, इज 0.3, ठीक है। ये बात आप याद रखो कि जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट फर्स्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होता है 1s, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में क्या होता है 1s होता है, उस वो जितना वो स्क्रीनिंग इफेक्ट कितना शो कर पाएगा, तो वो 0.3 स्क्रीनिंग इफेक्ट को शो करता है। पहला ऑर्बिट जो होता है फर्स्ट ऑर्बिट, वो 0.3 स्क्रीनिंग इफेक्ट को शो करता है। आपको ये बात अपने दिमाग में रखना है। यहाँ पे एक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, आप ध्यान दीजिए कि हीलियम में क्या स्क्रीनिंग इफेक्ट है और हीलियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सबसे पहला जो एक काम आपको करना है वो क्या करना है, राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले आपको लिखना है। तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, ठीक है। तो पहला आपको आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। दूसरा पॉइंट आपको यहां पे दूसरा काम क्या करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद, कि कीप वन इलेक्ट्रॉन एज रेफरेंस, ठीक है। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के एक इलेक्ट्रॉन को आप रेफरेंस में आपको रख लेना है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, रेफरेंस में रख लेना है। तभी तो उसके रेफरेंस में हम निकालेंगे, मतलब कि किसी एक इलेक्ट्रॉन का निकालने को जाएंगे। मान लो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो इलेक्ट्रॉन है। अब दो इलेक्ट्रॉन है तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को हम रेफरेंस में रख लेंगे, तभी तो हम निकाल पाएंगे कि एक ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन था वो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए कितना स्क्रीनिंग का काम किया है ना। तो हम क्या किए, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर रेफरेंस में रख लिए। देखो हम माइनस कर दिए एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन मेरा कहाँ चला गया, ये इलेक्ट्रॉन मेरा रेफरेंस में चला गया। तो ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है, पहली क्या ध्यान में रखनी है कि आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ कर देना है, और दूसरी क्या ध्यान में रखनी है कि जिस ऑर्बिट से भी आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करना है उस ऑर्बिट के एक इलेक्ट्रॉन को आप रेफरेंस में ले लो, ठीक है। तो हमने बात करना था हीलियम का, हमको बात करना था हीलियम का, और हीलियम में 1s है और 1s के लिए स्क्रीनिंग इफेक्ट कितना होता है, 0.3 होता है, ठीक है। तो देख लो मेरे पास क्या है, Z*Z-σ, यही होता है हम लोगों का Z-σ। Z क्या है, न्यूक्लियर चार्ज, और न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होता है वो न्यूक्लियर चार्ज को बताता है। तो हम लोग क्या बात कर देंगे यहां से कि Z*Z कितना है हीलियम का, 2 होता है, और माइनस यहाँ पे सिग्मा कितना है, मतलब स्क्रीनिंग कितना होता है, तो स्क्रीनिंग कौन कर रहा है, तो 1s कर रहा है, तो 1s का स्क्रीनिंग कितना होता है, 0.3 होता है। तो अब 0.3 यहाँ से माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 1.7। तो हीलियम में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.7 होता है, ठीक है। चलिए हम लोग एक और करते हैं, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, अगर हमको लिथियम का निकालना है, सपोज हम बात करें कि लिथियम 3 जो होता है इसका हमको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है स्लैटर रूल से, तो क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू कितना है 3, और इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s1, ठीक है। तो 1s2 2s1 है यहां पे, है ना। अब आप ध्यान दें कि ये हो गया आपका n और ये हो गया आपका n-1, और n में आप देखिए, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट, तो n में आप देखिए तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इस इलेक्ट्रॉन को हम कहाँ ले लिए, रेफरेंस के लिए ले लिए, क्योंकि हमको एक इलेक्ट्रॉन तो रेफरेंस के लिए चाहिए ही चाहिए। दो बातें जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करना है, और दूसरा आउटर ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन को रेफरेंस के लिए आपको ले लेना है। तो हम लोग क्या कर दिए, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन को रेफरेंस के लिए ले लिए। अब n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए भाई, तो n-1 में 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, है ना।
और n माइनस वन के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि n माइनस वन कितना स्क्रीनिंग का काम करता है, तो n माइनस वन आपका 0.85 स्क्रीनिंग का काम करता है। तो दो इलेक्ट्रॉन से और हर इलेक्ट्रॉन 0.85 के लिए स्क्रीनिंग का काम कर रहा है, तो टोटल स्क्रीनिंग कितना हो जाएगा 1.7, ठीक है। तो टोटल सिग्मा जो है 1.7 निकल गया और जेड का वैल्यू मेरा 3 है। तो आपका जेड स्टार कितना क्या होता है, जेड स्टार इज इक्वल टू होता है जेड माइनस सिग्मा, और हम लोग का जेड कितना है, तो हम लोग का जेड है 3 और सिग्मा कितना हम लोग का आया है, तो सिग्मा हम लोग का 1.7 आया है, ठीक है। तो 3 माइनस 1.7 आप कर दो तो आपको क्या आ जाएगा 1.3, तो जेड स्टार कितना हो गया 1.3 हो गया। तो देखिए लिथियम के लिए निकल गया, लिथियम के लिए हम लोग यहाँ पे निकाल लिए, है ना। ऐसे ही कोई भी एक एलिमेंट आप ले सकते हो, लाइक फ्लोरीन हम लोग ले लेते हैं। फ्लोरीन के लिए क्या होगा, फ्लोरीन 9 होता है, तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p5, ठीक है। अब ये हो गया आपका पूरा n और ये हो जाएगा आपका n माइनस 1। अब n में कितने इलेक्ट्रॉन्स है मेरे पास, तो n में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अब 7 में से एक इलेक्ट्रॉन को तो हम माइनस कर देंगे, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, मेरा रेफरेंस में चला जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम माइनस कर दिए तो टोटल मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पे 6, और यहाँ पे n माइनस 1 में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2। अब n के लिए स्क्रीनिंग इफेक्ट कितना होता है, तो देखिए हम लोग यहाँ पे बात किए हैं कि n माइनस 1 के लिए स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है 0.85 और n के लिए स्क्रीनिंग इफेक्ट कितना होता है 0.35। तो n के लिए स्क्रीनिंग इफेक्ट 0.35 और 6 इलेक्ट्रॉन कर रहा है, तो 6 × 0.35 कर दीजिए, और n माइनस 1 में कितना इलेक्ट्रॉन कर रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कर रहा है, तो 2 × 0.85 कर दीजिए। तो देखिए ये कितना निकल के आ गया, ये आपका निकल गया 1.7, और यहाँ पे आपका कितना आ गया, यहाँ पे आपका आ गया 6 × 0.35 आप कर दीजिएगा तो 2.1 आ गया। तो टोटल सिग्मा आपका कितना हो गया, टोटल सिग्मा आपका हो गया 3.8। तो जेड स्टार कितना चला गया, तो जेड स्टार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड स्टार इज इक्वल टू हो जाएगा जेड माइनस सिग्मा, और जेड कितना है यहाँ पे 9 है, तो 9 माइनस 3.8 आप कर दीजिए तो आपको कितना मिल जाएगा 5.2। तो देखिए 5.2 आपका निकल गया फ्लोरीन के लिए, फ्लोरीन के लिए आपका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कितना है 5.2, ठीक है। तो ये होता है पूरा स्लैटर रूल, है ना। स्लैटर रूल से आप ये सब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एनी ऑर्बिट ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, किसी भी एलिमेंट का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर आपको निकालना है तो आप यहां से इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का पीरियोडिक वेरिएशन कैसा होता है, ठीक है। पीरियोडिक वेरिएशन हम लोग देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में ये कैसे वेरी करता है, ठीक है। अब पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट हम लोग जाते हैं पीरियड में, ठीक है। इन पीरियड हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, और एक ग्रुप में हम लोग टॉप टू बॉटम आते हैं, ग्रुप में हम लोग कहाँ आते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं। कभी भी जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, है ना, तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए जेड स्टार क्या होता है, जेड स्टार आपका इंक्रीज करता है, जेड स्टार बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट जाते हुए जेड स्टार इंक्रीज करने लगता है, ठीक है। अब जेड स्टार इंक्रीज करता है तो रेडियस जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज करने लगता है, रेडियस जो होता है वो डिक्रीज करने लगता है, है ना। क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान दो, ये न्यूक्लियस है और ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, ऐसे ऐसे ऑर्बिट्स है। अब न्यूक्लियस अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन अब टुवर्ड न्यूक्लियस मूव कर जाएगा, मे बी यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे आ गया तो ऑर्बिट कहाँ बन जाएगा, ऑर्बिट यहाँ पे बन गया, ऑर्बिट यहाँ पे बन गया, है ना। तो रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द एटम। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे ट्रैवल कर गया भाई, तो अब यहाँ से यहाँ पे आ गया तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया वहीं पे ऑर्बिट बन गया, तो देखिए ऑर्बिट क्या हो गया, छोटा हो गया, मतलब रेडियस आपका क्या हो गया, छोटा हो गया, तो रेडियस आपका छोटा हो गया। तो कभी भी अगर न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो रेडियस क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, मतलब साइज क्या होता है एटम का, एटॉमिक साइज क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज करने लगता है, छोटा होने लगता है, ठीक है। और कभी भी जब हम टॉप टू बॉटम
टॉप टू बॉटम जब हम आते हैं, तो टॉप टू बॉटम आते हुए क्या होता है, जेड स्टार जो होता है ये कांस्टेंट रहता है। जेड स्टार क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना। अब जेड स्टार कांस्टेंट हो जाता है ना, क्योंकि देखो जब भी हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो रेडियस क्या होता है, रेडियस इंक्रीज करता है, आर जो होता है वो इंक्रीज करता है। अब देखो जेड स्टार ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन आर आपका इंक्रीज करता है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि भाई स्लैटर का रूल हर जगह पे नहीं लगता है। स्लैटर के रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहा था, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहा था तो जेड स्टार को भी बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन जेड स्टार बढ़ा नहीं है ना, जेड स्टार बढ़ा नहीं। अगर जेड स्टार बढ़ता तो रेडियस छोटा होता, लेकिन अब डाटाज उठा करके देख लो, ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए रेडियस क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो अब देखो ऊपर से नीचे आते हुए जेड इंक्रीज करता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। अब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है लेकिन साथ ही साथ एन का नंबर भी इंक्रीज करता है, ऑर्बिट्स बढ़ते चले जाते हैं। अब जब ऑर्बिट्स बढ़ेगा तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा करके बढ़ेगा, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा है ना, रेडियस बढ़ने लगेगा, मतलब न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच में नया नया ऑर्बिट आने लगेगा। अब न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच में जब नया नया ऑर्बिट आने लगेगा तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट का डिस्टेंस क्या होने लगेगा, इंक्रीज करने लगेगा है ना, न्यूक्लियस आउटर मोस्ट ऑर्बिट का डिस्टेंस बढ़ने लगेगा। ठीक है, और नए ऑर्बिट्स के ऐड होने की वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट देखो बहुत सारा हो जाएगा, बहुत सारा ऑर्बिट्स, अब नया इनर ऑर्बिट्स आने लगेगा, अब बहुत सारा इनर ऑर्बिट्स बन जाएगा तो शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि जेड मेरा जब इंक्रीज किया तो जेड स्टार भी थोड़ा बढ़ा, लेकिन जेड स्टार बढ़ा तो देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ा, जेड स्टार बढ़ा तो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ा। अब जितना जेड स्टार बढ़ा ना उसी प्रोपोर्शन में स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है, और दोनों ही एक दूसरे को क्या करते हैं, दोनों ही एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो फाइनली जो जेड स्टार बढ़ रहा है उसके इक्वल में स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जा रहा है और दोनों एक दूसरे को क्या कर जा रहा है, कैंसिल कर जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, एन का इंक्रीज करना डोमिनेंट होने लगता है, एन का इंक्रीज करना डोमिनेंट होता है, एन का इंक्रीज करना क्या हो जाता है, डोमिनेंट होने लगता है। अब जब एन डोमिनेंट हो जाता है तो रेडियस बढ़ने लगता है, क्योंकि ऑर्बिट बढ़ेगा तो जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ेगा देखो ये क्या हो जाएगा, रेडियस आपका बढ़ना शुरू हो जाता है, एक नया ऑर्बिट आ गया तो रेडियस और बड़ा हो गया, तो साइज क्या हो जाता है, साइज एटम का साइज इंक्रीज करने लगता है। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम आते हुए हमेशा आपको क्या ध्यान में रखना है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है और ये जेड इफेक्ट इंक्रीज करता है और दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर जाता है, इसीलिए जेड स्टार क्या हो जाता है कांस्टेंट हो जाता है, जेड स्टार क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके वैल्यू को स्क्रीनिंग इफेक्ट कैंसिल कर देता है। तो डोमिनेंट कौन बन जाता है, डोमिनेंट बन जाता है ऑर्बिट का इंक्रीज करना, जैसे जैसे हम नीचे आते हैं वैसे वैसे ऑर्बिट क्या होता है, इंक्रीज करता चला जाता है, ऑर्बिट इंक्रीज करता है, इस वजह से क्या होता है, रेडियस बढ़ता है और एटॉमिक साइज इंक्रीज करने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देखो कि वेरिएशन कैसा रहा है ना, तो हम समराइज कर देते हैं वेरिएशन को, वेरिएशन कैसा रहा, लेफ्ट टू राइट जाते हुए जेड स्टार इंक्रीज करता है और रेडियस डिक्रीज करता है, जिस वजह से एटॉमिक साइज जो होता है वो डिक्रीज करने लगता है। टॉप टू बॉटम आते हुए जेड इंक्रीज करता है जिस वजह से जेड स्टार भी इंक्रीज करता है, लेकिन एन इंक्रीज करने की वजह से एक नए ऑर्बिट्स ऐड होने लगते हैं और न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच में बहुत सारे नए ऑर्बिट्स बीच में बनने लगते हैं, जिससे स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट हो जाता है क्योंकि नए ऑर्बिट्स ऐड होते हैं। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाने की वजह से वो न्यूक्लियर चार्ज को क्या, वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैंसिल कर देता है। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर जाते हैं तो एन का इंक्रीज करना डोमिनेंट हो जाता है। अब एन का इंक्रीज करना डोमिनेंट होता है तो रेडियस इंक्रीज कर जाता है, जिस वजह से एटॉमिक साइज इंक्रीज करने लगता है। ठीक है, तो ये है आपका पूरा न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट अलोंग विथ स्लैटर रूल्स। ओके।